जो अनुदेशकों को नियमित करेगा यूपी पर वही राज करेगा। साथियों आज की इस बड़ी खबर के साथ पेश है आज का मुख्य। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का विशेष शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और अपनी कमेंट जरूर दें। अगर भारत सरकार ने उनका मानदेय 15,000 अप्रूव किया हो तो हम कल से लागू कर देंगे। लेकिन कोर्ट गए थे लोग, कोर्ट ने, मैं कह रहा हूँ, मैं खुले मंच से कह रहा हूँ, देखो क्योंकि हमको हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास है कि वो हम आज जो हम कर पा रहे हैं बेसिक शिक्षा में, उनके समर्थन के बगैर नहीं करते। बड़ी योजना, इतना बड़ा कायाकल्प, इतनी बड़ी शिक्षा भर्ती, आपको शाबाशी, आपको बधाई देनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार। और मैं चुनौती देकर कहता हूँ, पूरे कोरोना लॉकडाउन पीरियड में जब दुनिया भर में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान जैसे देशों में लेटर पर लिखा हुआ है सतीश चंद्र द्विवेदी सदस्य विधानसभा, सदस्य विधानसभा सिद्धार्थनगर। ये लेटर है 30/9/2019 का। उन्होंने लिखा है, सेवा में मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। आदर अवगत कराना है क्योंकि स्क्रीन पर है, कोई फोन आ गया था, आदर अवगत कराना है कि देश भर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत लगभग 31,000 अंशकालिक अनुदेशकों, किसी का माइक खुला हुआ है, जरा प्लीज बंद कर दीजिए। इकतीस हजार अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय आपके ही आशीर्वाद से माह मार्च में ₹8,470 से बढ़ाकर 17,000 हो चुका है। आदरणीय मंत्री जी, आप फिर कैसे कह रहे हो ये हम नहीं समझ पाए। जिंदा सबूत के बाद वो कौन सा आवरण पहन के आप कहते हो, मुझे हैरान भी होती है आपकी बातें सुनकर। किसी चैनल पे आप कह रहे थे कि मैं एक मिनट में कर दूंगा, तो सतीश चंद्र द्विवेदी विधायक झूठे थे कि सतीश चंद्र द्विवेदी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री झूठे हैं? कमेंट करिए और लिखिए इस बात पर, कौन गलत है, कौन सा ये पत्र गलत है कि वो वीडियो गलत है, दोनों पर विचार करिए। इतने पर भी सरकार का दिल नहीं पसीजता है, क्या कहा जाए। पूरा लेटर सुन लीजिए क्योंकि गुस्सा इतनी बढ़ जाती है, पीड़ा बढ़ जाती है, गुस्सा नहीं पीड़ा, कि ऐसे लोग भी लिखते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है, कौन जिम्मेदार है इस सरकार का, किससे शिकायत करें। वही व्यक्ति जो बेत अनुदेशक के लिए गुहार लगा रहा था, जिस पद पर बैठा हुआ है, जहां एक उसकी कलम से अनुदेशकों का